नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं थॉट प्रोसेस पे, विचारों पे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से दुनिया आइडेंटिफाई करती है, किस तरीके से जानती है। तो हम शरीर, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो हमारी मेंटल बॉडी यानी विचार, थॉट प्रोसेस से दुनिया हमको जानती है। अगर हम ये पता करना चाहें कि मेरे कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा विचारों की फ्रीक्वेंसी को। हर एक विचार की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, और विचारों का डायमेंशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मेरे विचार किसी और के विचारों से मैच करते हैं, डायमेंशन मैच करता है और फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो हम लोग फास्ट फ्रेंड होंगे, एक दूसरे के शुभ चिंतक होंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ हम बिहेव करेंगे, जिससे एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे का फ़ायदे करने के बारे में ही सोचेंगे। दूसरी ओर बात करते हैं, अगर मेरी सोच का डायमेंशन, मेरी थॉट्स का डायमेंशन किसी की सोच की डायमेंशन से मैच नहीं करता है, तो हम दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते। हमेशा हमारा मन मुटाव रहेगा और ये आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि झगड़ा क्यों होता है। आजकल समरसता नहीं है फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, रीज़न क्या है। उसके लिए हम बात करते हैं कि कोई बात अगर मैंने मान लिया कि ये सही है और सामने वालों को, मेरे फ्रेंड्स फैमिली को लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो वो मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि जितेंद्र ये मत करो, ये सही नहीं है। और मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि यही सही है, क्योंकि मेरे दिमाग में सही बैठा हुआ है। और मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे ये बात झगड़े में बदल जाती है और लॉन्ग टर्म तक ये बात चलती रहती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अगर मेरे फ्रेंड को कोई बात अच्छी लग रही है, आमतौर पे 10th 12th के आसपास जब ये टीनेज में बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ चीज़ अपनी तरफ से अच्छी लगती है, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि बच्चे ये ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने थॉट्स की कसौटी पे उसको खरा उतारता है और वो बोलता है कि नहीं, ये सही है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। और पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, और ये झगड़े की जड़ होती है। बेसिकली थॉट्स ही ड्राइव कर रही हैं पूरी दुनिया को दोस्तों। आइए अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं थॉट्स के मामले में। तो हमारे दिमाग में दो टाइप की थॉट्स हैं दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक एग्ज़ाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं हम। एक गिलास में साफ़ पानी हो सकता है और एक गिलास में गंदला पानी है, तो जिस गिलास में साफ़ पानी होगा उसमें से साफ़ पानी ही निकलेगा, और जिसमें गंदला पानी है उसमें से गंदला पानी ही निकलेगा। ये नेचर का रूल है। उसी तरीके से अगर हम साफ़ पानी को पॉजिटिव थॉट्स और गंदले पानी को नेगेटिव थॉट्स मान लें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में साफ़ पानी भरा है या गंदला पानी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि हम बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों, एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में किस तरीके की थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब तक हमें पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम का, तब तक सॉल्व होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप किसी एक ऐसे आदमी को याद कीजिए, ऐसे पर्सनालिटी को याद कीजिए जो आपको बहुत बुरा लगता है, जिससे झगड़ा होता रहता है, तो उसके बारे में सोच के सिर्फ 2 मिनट, 120 सेकेंड्स ओनली, उसके बारे में भला बुरा कहिए, उसको बहुत बुरे तरीके से जो मन में आए वो कहें, और काउंट करते रहें कितने सेंटेंसेस बोले आपने और कितनी फ्रीक्वेंसी से बोले। चलो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अब आप किसी ऐसे पर्सनालिटी के बारे में सोचें जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब उसके लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलें, जैसे आप बहुत अच्छे हो या जो भी। अब फिर 2 मिनट के लिए आप उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलने की कोशिश करें, और इस बार भी सेंटेंस काउंट करें, उनकी फ्रीक्वेंसी देखें कि आप धीरे धीरे बोल रहे हैं या ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। और दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा नंबर ऑफ सेंटेंसेस और उनकी फ्रीक्वेंसी से कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है। अगर पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा भरी हुई हैं तो नेगेटिव बातें आप बोल ही नहीं पाएंगे,
और अगर नेगेटिव बातें दिमाग में ज़्यादा भरी हुई हैं तो नेगेटिव बातें फ्रीक्वेंसी से फ्लुएंसी के साथ बोलना शुरू कर देंगे, और पॉजिटिव के लिए कि आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे हो, हमें बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे ही नहीं। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से गिलास में साफ अगर पानी है तो उसमें से साफ पानी निकलेगा, उसी तरीके से हमने ये टेस्ट करके पता कर लिया कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा हैं या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। किसी आज लेट से बारिश आ रही है, बहुत बढ़िया मौसम है, और एक आदमी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको हम कहते हैं कि बारिश आ रही है, देखने के बाद वो कहेगा ओह बारिश आ गई, सारा मज़ा ख़राब कर दिया, कितना कीचड़ हो गया, कितना ख़राब मौसम हो गया। और उसी बारिश को अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थॉट्स आपके पास हैं, तो आप कहेंगे वाह कितना अच्छा मौसम है, बारिश आ रही है, नेचर के बिल्कुल नज़दीक से इंजॉय करने का मौका मिला है। तो दोस्तों एक ही चीज़ को हम अच्छा या बुरा अपनी नज़रों से, अपनी थॉट से ही देखते हैं। तो अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा डालना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बूस्ट होगा, उसके लिए हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। अगर गंदला पानी है गिलास में और हमें साफ़ पानी में बदलना है, और ऑप्शन ये नहीं है कि हम गिलास को खाली कर सकें, जैसे दिमाग को खाली बिल्कुल नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए हम साफ़ पानी डालते रहेंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो गंदला पानी निकल के गिलास में पूरा साफ़ पानी हो जाएगा। उसी तरीके से हम पॉजिटिव थॉट्स को अगर हमारे दिमाग में डालते रहेंगे, तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं तो हमेशा आपको प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम ही नज़र आती रहेंगी। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें, खाली बैठे हैं तो भी पॉजिटिव सोचते रहें। माना कि आपके पास टाइम नहीं है दूसरों को हेल्प करने का, लेकिन अगर आप सिर्फ सोच लेंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके पॉजिटिव थॉट्स और एम्पावर होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।